जय हिंद दोस्तों, आज हम हार्ट का डायग्राम और उसके फंक्शन समझेंगे। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, बट हम मुश्किल टॉपिक को थोड़ा सा आसान तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। तो हार्ट, आपको मालूम है कि हमारा जो ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट लेफ्ट साइड में, यानी ये जो हमारा मिड है दोनों लंग्स के बीच में, यहां ध्यान से देखिए ये जो दो लंग्स हैं, इन लंग्स की बिल्कुल स्टार्टिंग है, लेफ्ट साइड यहां पर हमारा हार्ट होता है। और हार्ट में जनरली क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये एक हार्ट शेप है और इसमें हमने चार हिस्से किए हैं। तो यानी अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात कर रहे हैं, ह्यूमन हार्ट बेसिकली फोर चैम्बर से मिलकर बना है। फोर चैम्बर को, जो ऊपर वाले दो चैम्बर हैं, इन्हें हम कहेंगे अपर चैम्बर, और जो नीचे वाले दो चैम्बर्स हैं इन्हें हम कहेंगे लोअर चैम्बर। लेफ्ट राइट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले बता देता हूं कि अगर ह्यूमन हार्ट में फोर चैम्बर्स हैं, इसी प्रकार अगर हम फिश की बात करें तो उसमें दो चैम्बर्स होंगे, अपर और लोअर, राइट। और फ्रॉग की अगर हम बात करेंगे तो उसमें तीन चैम्बर होते हैं, दो अपर चैम्बर और एक लोअर चैम्बर, यहां राइट और ये लेफ्ट। चलिए अब हम इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। यहां सबसे पहले देखिए, हम इसका लोअर पार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों हिस्से बिल्कुल बराबर होंगे, दोनों हिस्से इसके बराबर होंगे। और यहां पर हमने ये वॉल बनाई है। क्या है ये वॉल? ध्यान से देखते रहिए कहां पे क्या बन रहा है, ध्यान से देखते रहिए। ये देखिए, यहां पर हमने एक, इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम, राइट। अब ये हमने हार्ट का डायग्राम बनाया है। हार्ट के डायग्राम में ध्यान दीजिए, मैं यहां पर एक लेफ्ट मेंशन कर रहा हूं कि इस साइड का जो भी हिस्सा होगा वो लेफ्ट होगा, और इस साइड में राइट मेंशन कर रहा हूं ताकि आपको पता हो कि इस साइड को जो भी एक्सप्लेन होगा उसका ये राइट हिस्सा होगा, राइट। तो ये है हमारा हार्ट। अब ध्यान दीजिए, इसका पूरा नेमिंग करेंगे और पूरी इसकी वर्किंग समझेंगे। हार्ट की आप शेप देख रहे हैं, ये एक कॉनिकल शेप है। कॉनिकल शेप क्यों कह रहे हैं हम, कि यहां इसको कॉनिकल शेप, ये हमारा एक कोन हुआ, राइट, ये कोन हुआ। और इसको अगर आप ध्यान से देखें, यहां अगर इसको थोड़ा सा राउंड कर दिया जाए तो इस प्रकार की शेप थोड़ी नजर आएगी इसमें। यहां पर इसका बेस होता है जो कि एक कोन का बेस है, तो यही इसका इस तरफ बेस है और इस तरफ इसका जो है ये नुकीला हिस्सा माना गया है, इसको कॉनिकल शेप बोल रहे हैं हम। अब हम इसके सर्कुलेशन की बात करते हैं। सर्कुलेशन में जब हम देख रहे हैं कि यहां पर चार चैम्बर नजर आ रहे हैं, पहला चैम्बर, दूसरा चैम्बर, तीसरा चैम्बर और ये चौथा चैम्बर। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ह्यूमन हार्ट के चार चैम्बर होते हैं, दो चैम्बर जो है वो राइट में होंगे और दो चैम्बर होंगे लेफ्ट में। जो राइट का चैम्बर है, यहां पर ये है हमारा एट्रियम, तो हम यहां लिख सकते हैं राइट एट्रियम। और इसी प्रकार इसी के पैरेलल में हम देख रहे हैं, ये है लेफ्ट एट्रियम। समझ में आ रहा है, यहां है राइट एट्रियम और ये है लेफ्ट एट्रियम। इसी प्रकार राइट में नीचे की तरफ, ये तो था हमारा अपर चैम्बर, अपर चैम्बर में हमारा राइट एट्रियम आया और लेफ्ट एट्रियम आया। अब लोअर चैम्बर की बात करेंगे, ये जो वॉल्व लगी हुई है इनसे स्टार्ट होता है हमारा लोअर चैम्बर। लोअर चैम्बर में हमारा है राइट वेंट्रिकल,
और इस तरफ है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। अब आपने देख लिया कि लोअर चैंबर में दो हिस्से कौन से आए, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हमारा इसकी फंक्शनिंग शुरू होगी। फंक्शनिंग शुरू होने से पहले मैं आपको इसकी चार इंपॉर्टेंट वॉल्व्स को भी बताना चाह रहा हूं। अब चार इंपॉर्टेंट वॉल्व्स कौन सी है, आप यहां देख रहे हैं ये वॉल्व्स लगी हुई है। पहली वॉल्व इसको बोलेंगे हम ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या लिखेंगे हम यहां, ट्राइकस्पिड वॉल्व, राइट। और ये जो हमारी वॉल्व है जो कि लेफ्ट साइड में है इसको लिखेंगे हम बाइकस्पिड वॉल्व। कौन सी वॉल्व है ये, बाइकस्पिड वॉल्व। अब बची हमारी दो और वॉल्व। कौन, मैंने बताया था कि चार इंपॉर्टेंट वॉल्व है, पहली हमने बताई ट्राइकस्पिड वॉल्व, दूसरी बताई बाइकस्पिड वॉल्व। अब जो तीसरी इंपॉर्टेंट वॉल्व है वो है हमारी पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व, इसके बाद हमारी लास्ट जो इंपॉर्टेंट वॉल्व आती है वो है हमारी ओर्टा वॉल्व। यहां है ये, तो मैं इसको इस तरफ से साइन दे रहा हूं, ओर्टा वॉल्व। अब हर चीज का रीजन बताऊंगा मैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहला है हमारा राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में हमारा जो ब्लड पास होगा, ब्लू ब्लड पास होगा, तो मैं आपको इस एरिया को ब्लू चौक से डिस्क्राइब कर रहा हूं या दिखा रहा हूं। ये हमारा जो हिस्सा है वो है ब्लू। इसको मैंने ब्लू क्यों किया, क्योंकि शुरू में जो राइट एट्रियम में जो सुपीरियर वेना कोवा और इंटीरियर वेना कोवा से, ये है हमारी, ये इंटीरियर वेना कोवा, ये सुपीरियर वेना कोवा, यहां लिख सकते हो आप वेना कोवा, राइट। सुपीरियर वेना कोवा और इंटीरियर वेना कोवा से जो ब्लड आ रहा है वो है हमारा ब्लू ब्लड। यहां आप पूरा कंप्लीट इसको ब्लू दिखा सकते हैं, राइट। ये हमने इसे ब्लू दिखाया। अब जब ब्लू ब्लड यहां आ गया राइट एट्रियम से, कहां आया, राइट वेंट्रिकल में, यहां ट्राइकस्पिड वॉल्व का काम शुरू हो गया कि जो ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया वो बैक ना जाए, वो वापस ना जाए, इसलिए यहां पर ये वॉल्व लगा दी। जितना ब्लड आया है वो राइट वेंट्रिकल में ही जमा हो जाए और वापस ना जाए, इसलिए ये वॉल्व यहां लगाई है। दूसरा, अब ये जो राइट वेंट्रिकल ब्लड से भर गया तो इसको जाने के लिए भी तो रास्ता चाहिए। वो रास्ता कौन सा है हमारा, वो रास्ता है हमारा पल्मोनरी वॉल्व। यहां से हमने इसको ब्लू दिखा दिया, राइट। ये हमारा क्या बन गया, पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू एक और रास्ता मिला इसे, जो रास्ता सीधा जाता है लंग्स में। कहां जाएगा ये, लंग्स में। लंग्स में जब हमारा ब्लू ब्लड गया, यानी इसको बोल रहे हैं हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड गया, जब राइट एट्रियम में आया हमारा ब्लड वो था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वापस जब ये लंग्स में गया ये कौन सा ब्लड गया हमारा, लंग्स के अंदर गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जब हम ब्रीथ कर रहे हैं, जब हम ब्रीथ कर रहे हैं इसका मतलब हम सांस के साथ ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं, और सारा जो ब्रीदिंग का काम है वो हमारा लंग्स ही करता है। ऑक्सीजन जब हमने इनटेक की तो मींस वो जो हमारा ब्लू ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हमारा गया लंग्स में, लंग्स में ऑलरेडी थी ऑक्सीजन। यहां आप लिख सकते हैं ब्लू ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिख सकते हैं, गया लंग्स में, लंग्स के साथ मिली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाया उसने रेड ब्लड, जो कि हमारा मेन ब्लड है, राइट, जो कि हमारी पूरी बॉडी में पास हो रहा है।
तो रेड ब्लड को दिखाने के लिए हम दूसरे कलर का चौक इस्तेमाल करेंगे। अब इसका काम क्या है, यहां से ब्लड पास होकर वापस आया। अब ध्यान दीजिए, ये जो रेड ब्लड हमारा बना है, ये रेड ब्लड हमारा आएगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में किसके थ्रू आएगा, ये हमारी जो वॉल्व है, यहां हम रेड कलर से इसको फिल कर देते हैं। लाल रक्त, यहां हमारा पूरा रक्त भर गया रेड कलर का। अब जब ये लेफ्ट एट्रियम कंप्लीटली फिल हो गया, वॉल के थ्रू हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया पूरा रेड ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में भी चला गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी ये जो वॉल्व है, अब देखो ये जो ब्लड पूरा इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में भरा है, ये बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू यहीं पर रुक जाएगा, ये वापस नहीं जाएगा, वापस यहां से जाके वापस लंग्स में बिल्कुल नहीं जाएगा। ये वॉल्व का काम है वो रोकना, राइट, कि वो बैक ना करे कभी भी। तो ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये जो रेड ब्लड है मेन ओर्टा वॉल के थ्रू, ओर्टा वॉल बोलते हैं, इसके थ्रू पूरी बॉडी में पास होगा। ध्यान दीजिए, ये जो हमारी पूरी वॉल्व लगी हुई है, ये वेन्स है, अलग अलग वेन्स है जो अलग अलग हिस्सों में, बॉडी के अलग अलग हिस्सों में खून को या रक्त को या ब्लड को पास करेंगे। बात समझ रहे, अलग अलग हिस्सों में, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये ब्लड को बॉडी के अलग अलग हिस्सों में पास करेगी। ये है हमारा फिल्टर्ड ब्लड बोल सकते हैं, क्लियर ब्लड बोल सकते हैं, या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल सकते हैं, राइट। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा पास हो गया पूरी बॉडी में, ये एक प्रोसेस है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको हमेशा याद रखने हैं। एक है कि हमारा जो हार्ट है वो 300 ग्राम्स का है, वेट के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो ये काफी कम है, काफी कम इन द सेंस कि इतना वर्कलोड इतनी छोटी सी चीज पर है, तो आप इसको वेट में मेंशन कर सकते हैं कि 300 ग्राम्स इसका वेट है। बट हमारी पूरी बॉडी में ब्लड कितना है, पूरी बॉडी में जो हमारा ब्लड है वो है 5 लीटर्स, 5 लीटर्स। तो आपको क्या लगता है कि जो 300 ग्राम का हमारा हार्ट है वो 5 लीटर ब्लड को किस तरीके से प्योरीफाई करता होगा, ये सोचने की बात है। तो हमें पता है कि हमारा हार्ट 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में 72 टाइम्स बीट करता है, राइट, 72 टाइम्स धड़कता है हमारा हार्ट 1 मिनट में, 60 सेकंड में। तो अगर हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़क रहा है, और हमारे हार्ट का वर्किंग क्या है कि वो 1 सेकंड में 70 ml ब्लड को प्योरीफाई करता है या फिर अपने अंदर इंटेक करता है राइट एट्रियम के थ्रू, कितना, राइट एट्रियम के थ्रू 1 सेकंड में 70 ml ब्लड जो है वो इंटेक करता है। बात समझ में आई। अब जो 70 ml ब्लड इंटेक किया, तो उसको 60 से आपको देखना है कि भाई 60 यानी 1 मिनट में कितना ब्लड प्योरीफाई करेगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां आएगा 5040 विच इज नियरली इक्वल टू 5 लीटर्स, राइट। तो हम यहां कह सकते हैं कि पूरा 1 मिनट में पूरी जो ब्लड की पूरी बॉडी का जो ब्लड है उसको क्लीन करके पूरी बॉडी में सप्लाई करता है हमारा हार्ट। वेट कितना है, 300 ग्राम्स। अब आपने देखा कि ये पूरा अंदर का हमने डिस्क्राइब कर दिया, बट आप एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो बाहर का है इसको कौन बताएगा, ये है हमारी क्या है, इसकी मसल्स। अब हार्ट जब इतनी जरूरत की चीज है हमारी बॉडी के लिए, अब उसकी प्रोटेक्शन भी तो करनी है। जो हमारा पूरा हार्ट है वो कवर्ड है किस चीज से, पेरिकार्डियम से, पेरिकार्डियम से कवर्ड है, और उस पेरिकार्डियम की थिकनेस भी बहुत अच्छी है, बट आप कह सकते हो वो एक फ्लूड, उस पेरिकार्डियम के चारों तरफ फ्लूड भरा हुआ है, उस फ्लूड को बोलते हैं
पेरिकार्डियम फ्लूइड, और वो पूरे हार्ट को इस तरीके से प्रोटेक्ट करता है कि कभी हम गिर जाएं, कोई इंजरीज आ जाए। आपने देखा होगा कि हर जगह इंजरीज आ सकती है, कुछ भी ब्रेक हो सकता है, बट हमारा हार्ट कभी भी इंजर्ड नहीं होगा, क्योंकि वो कुदरत ने, परमात्मा ने उसको इतना सेफ बनाया है, लंग्स के बीच की हड्डियों में उसको सेफ रखा है। उसके लिए कहते हैं कि एक ऑलरेडी केज तैयार करके दिया है कि वो सेफ रहे। आपको पता है ये लंग्स की जो बोन्स है वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो लेफ्ट चैम्बर है और राइट चैम्बर है दोनों बीच से अलग है, दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं है। वो ऐसी क्या चीज है जो इनको बीच से अलग कर रही है? इसको बोलते हैं हम इंटरवेंट्रिकल सेप्टम। इंटरवेंट्रिकल सेप्टम, यहां स्पेस कम है, आप लिख लीजिएगा इंटरवेंट्रिकल सेप्टम। सेप्टम का क्या मतलब है कि ये दोनों वेंट्रिकल को आपस में सेपरेट कर रहा है, इसलिए हम इसे सेप्टम बोल रहे हैं। अब अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको हार्ट के बारे में बता रहा हूं वो ये है कि अगर किसी के हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको कैसे टेस्ट करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, उसके लिए टेस्ट होता है हमारा ईसीजी। और अगर किसी का हार्ट बिल्कुल काम करना बंद कर जाए तो इसमें ट्रांसप्लांट का भी प्रोसेस है, जो कि सबसे पहले डॉक्टर क्रिस्टियन ब्रोनार्ड ने ट्रांसप्लांट किया था सबसे पहले। चलिए, ये हमारा था हार्ट का टॉपिक। मैं अब आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं ताकि आपको जो भी अभी तक क्लास में समझा है वो अच्छे से रिपीट हो जाए। सबसे पहले हमने देखा कि राइट एट्रियम के थ्रू हमारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास हुआ, और ये राइट एट्रियम में एंटर कहां से हुआ, वो आया सुपीरियर वेना कोवा से और इंफीरियर वेना कोवा से, दोनों के थ्रू राइट एट्रियम में एंटर किया। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में एंटर किया ब्लू ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद वो हमारा गया पल्मोनरी वॉल्व में, पल्मोनरी वॉल्व से कहां गया वो लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजन के साथ ऐड होकर यानी वो ऑक्सीजनेटेड होकर हमारा आता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के बाद यहां वॉल्व लगी है, अगर राइट की साइड की बात करें तो ट्राइकस्पिड वॉल्व उसे ऊपर यानी बैक जाने से रोकती है, और यहां बाइकस्पिड वॉल्व है जो कि उसे बैक जाने से रोकेगी। रेड ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लेफ्ट एट्रियम के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और उसके थ्रू ओर्टा वॉल में, यहां एट्रियम्स हैं, एट्रियम्स हमारी वॉल्व्स होती हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को या जिसमें ऑक्सीजन है ब्लड में, नहीं रेड ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करते हैं, पास करते हैं। तो ये हमारी पूरी इसकी प्रोसेस है, वर्किंग है, जो मैंने आपको फिर से एक्सप्लेन की है। मुझे उम्मीद है हार्ट की ये क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। समझ आई है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।